वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू गोपाल है, मेरे कान्हा, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड, मैं निकल जाऊंगी नवरात्रि के शॉपिंग के लिए। जो पूजा का सामान है वो मैं लेने जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि आज हमारे हस्बैंड जी ने छुट्टी ली थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्लाउज देने के लिए, सिलने के लिए। जो नवरात्रि वाले साड़ी ली थी उसका ब्लाउज देने के लिए टाइम नहीं मिला था 2 दिन से, तो मैं नहीं आई थी। जब ये मुझे लेके आए तभी आई। मैं वैसे अकेले घर से कभी भी नहीं निकलती हूँ, क्योंकि बाबू अभी छोटा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे भंसाड़ी की दुकान में आई हूँ। बाहर चुन्नी वगैरह सब माता रानी की मिल रही थी, तो मैं यहाँ से जितना भी पूजा का सामान है फ्रेंड मैं यहाँ से ले लूँगी। तो एक ही जगह से सारा कुछ यहाँ पे पंसारी की दुकान में मिल जाता है, और मैं हमेशा से इनके ही दुकान से ले जाती हूँ। जब भी पूजा हवन वगैरह कराती हूँ तो सामान सही से मिल जाता है एक ही जगह पे। तो यहाँ पे मैं माता रानी के लिए चुन्नी ले रही हूँ, और यहाँ पे सारा सामान मिलता है, रौली मौली नारियल जो भी हमारे पूजा में काम आता है वो सारा सामान यहाँ मिल जाता है। तो फ्रेंड मैं ले लूँगी। और फ्रेंड्स, आप सभी से मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था, कल वाले ब्लॉग में, कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और मैं इस्कॉन टेम्पल जा रही हूँ। तो मैं आप सभी के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो मेरा ब्लॉगिंग का डे 4-5 था उसमें मैंने शेयर किया था कि मैं जो घर बनाई थी उसको किराए पर दी थी, और मुझे काफ़ी मेहनत से वो घर कोर्ट के ज़रिए खाली करवाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कहते हैं सच्चाई की जीत होती है, तो हमारी जीत हुई और कोर्ट के ज़रिए मैंने अपना घर खाली करवा लिया है। तो कल मेरा घर खाली हुआ था, जिस दिन मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी सवेरे में उसने खाली किया। तो मैं सोची पहले भगवान जी का दर्शन कर रहा हूँ, और मैं जब भी खुश होती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस्कॉन टेम्पल ज़रूर जाती हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जीत हुई और हमने अपना घर वापस ले लिया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी किराए पे मकान देते हैं बहुत ही सोच समझ के दें। कई बार आप सभी जल्दबाजी में दे देते हैं और किराएदार बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जैसे कि मुझे बहुत परेशानी हुई अपने घर को खाली कराने में, मुझे कोर्ट के ज़रिए खाली करवाना पड़ा। और आप सभी जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ चक्कर लगाना थाने का और कोर्ट का बहुत टफ होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, कुछ सवाल है हमारे लिए जो आप लोग करते थे, कमेंट करते थे कि ये चीज़ बताओ कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, कितने बच्चे हैं, शादीशुदा हो या नहीं, बहुत सारे आप सभी के कमेंट थे। और लाइव आप लोग पूछते थे, तो मैं इसका जवाब ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को देना चाहूँगी, ताकि सभी को पता चले जो भी हमारे ब्लॉग वीडियो से जुड़ते हैं, हमारे लाइव से जुड़ते हैं। तो मैं आप सभी के लिए आज जो ये है हमारा Q&A पहला है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जरूर सपोर्ट करेंगे हमारे इस ब्लॉग वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो कमेंट आता था, पहला जो कमेंट आता था कि आपकी शादी हुई है, बहुत लोग हमसे लाइव में भी पूछते हैं और कमेंट भी करते हैं कि आपकी शादी हुई है। तो हाँ जी, मेरी शादी हुई है, 2016 में हमारी शादी हुई थी, और हमारी शादी गाँव में हुई थी, बिहार में। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बहुत लोगों का सवाल है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो फ्रेंड्स, हमारे तरफ में ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही होते हैं, और हमारी अरेंज मैरिज हुई है, और ये हमारे मम्मी पापा ही तय करते हैं कि हमारी शादी कहाँ होनी है, तो हमारा अरेंज मैरिज है। और बहुत अच्छे से मैं अपने परिवार में के साथ रह रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बच्चे हैं। फ्रेंड्स, ये भी लोग पूछते हैं जिन्होंने एक दो ब्लॉग हमारा देखा है और लाइव में जुड़ते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं और एक छोटा सा बाबू है। आप सभी देखते होंगे ब्लॉग में, अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा। तो हमारे 3 बच्चे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कितने पढ़े हो। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लाइव में कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी एजुकेशन क्या है, बहुत सारी कमेंट आती है इस चीज़ को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 12th का एग्ज़ाम दे चुकी थी, रिजल्ट नहीं आया था। और जब मैं 19 ईयर की थी तभी हमारी शादी हो गई थी, और रिजल्ट शादी के बाद आई, मैं एग्ज़ाम देने के बाद हमारी शादी हुई और रिजल्ट उसके बाद आई थी। तो उस टाइम मैं 12th में थी और मैंने साइंस रखा था मैथ से। उसके बाद हमारी शादी हुई और मैं दिल्ली यहाँ पर आ गई। उसके बाद मैंने BA करा, और मैं सब्जेक्ट चेंज कर ली क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था हमारे ससुराल का और बहुत सारे काम होते थे, तो जो नहीं कर पाना होता है तो उस चीज़ को लेके नहीं चल सकती। तो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया और आर्ट रखी।
और उसके बाद बी ए मैंने SOL से यहाँ दिल्ली में की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का फ्रेंड, वो है कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, यानी मेरे मम्मी के पापा के बारे में। तो मेरे मम्मी पापा बिहार में रहते हैं और वो हमेशा से बिहार में ही रहते थे। उनका पापा जी का जो जॉब है वो बिहार में ही है, तो पटना में ही रहते हैं बिहार में। और उसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग वीडियो में हमारे सास ससुर नहीं दिखते हैं, हमारे मम्मी पापा यानी हस्बैंड जी के मम्मी पापा नहीं दिखते हैं, तो हमारे सास ससुर कहाँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सास ससुर दिल्ली में ही रहते हैं, हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, कभी कभार आते हैं हमारे पास। तो आप सभी को ब्लॉग में आज नहीं कल देखने को जरूर मिलेगा। तो सास ससुर हमारे दिल्ली में ही रहते हैं और मैं दूर इसलिए रह रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे का स्कूल पास पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ दूर रह रही हूँ उनसे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या करते हो। तो फ्रेंड्स मैं हाउसवाइफ हूँ। आप सभी ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं आप सभी से शेयर की हूँ कि मधुबनी पेंटिंग मैं बनाती हूँ, मेहंदी बनाती हूँ, ये सब मुझे बनाना आता है और मुझे बहुत पसंद भी है और मैं हाउसवाइफ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपके हस्बैंड जी करते क्या हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपके हस्बैंड जी करते क्या हैं। तो फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड जी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को सभी का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने हमसे ये सवाल किया था, और जो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं वो ये फर्स्ट Q&A वीडियो जरूर देखिएगा, आप सभी को पता चलेगा कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। तो मैं एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं और हमारा अरेंज मैरिज है। 2016 में हमारी शादी हुई थी और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो, और मैं BA कर रखी हूँ। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा फ्रेंड्स बिहार में रहते हैं, हमारे सास ससुर दिल्ली में रहते हैं, और मैं हाउसवाइफ हूँ और आप सभी के लिए ब्लॉग वीडियो लाती हूँ, डेली रूटीन ब्लॉग वीडियो लाती हूँ, मेहंदी वीडियो बनाती हूँ। और सबसे लास्ट का क्वेश्चन जो था, आपके हस्बैंड जी करते क्या। तो फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड जी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत से मैं आप सभी के लिए ब्लॉग वीडियो शूट करती हूँ, और आप सभी के लिए जो भी हाउसवाइफ है उनके हेल्प के लिए कुछ ना कुछ टिप्स रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ जिससे सभी को हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।